नगरी विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। उनकी जनदर्शन यात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ना स्वाभाविक है। कांग्रेस के ऐसे किसी भी आयोजन में लोग आते ही नहीं हैं। कांग्रेस केवल ड्राइंग रूम की राजनीति करती है। कांग्रेस कभी जनदर्शन यात्रा का महत्व नहीं समझ सकती। भूपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री बदलने को लेकर कहा कि प्रदेश में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। नगरी विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कोरोना को लेकर कहा कि सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट सहित बिस्तरों की संख्या में वृद्धि, बच्चों के लिए विशेष वार्ड एवं डॉक्टर तथा पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाई जा रही है। लोगों से अपील है कि वह कोरोना से बचाव के लिए सभी आवश्यक सावधानियों का पालन करें। उन्होंने कहा, डेंगू की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी क्राइसिस मैनेजमेंट टीम से चर्चा कर स्थिति की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की जनदर्शन यात्रा पर कांग्रेस के आरोप पर उन्होंने कहा कि शिवराज प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, इसलिए उनकी जनदर्शन यात्रा में प्रत्येक स्थान पर लोगों की भीड़ उमड़ना स्वाभाविक है। देखिए, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार ने पूर्व से ही तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। प्रदेश के सभी जो हमारे हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, कुछ जगह जो सब डिवीजन लेवल पे हॉस्पिटल हैं, लगभग सभी जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, बेडों की संख्या बढ़ाई गई है, चिल्ड्रन वार्ड अलग से बनाए गए हैं, इसके साथ साथ डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। निश्चित रूप से डेंगू के केस बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर कल जैसा आपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में जो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम के साथ पूरे प्रदेश में बातचीत हुई, इसमें 15 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं और पूरे प्रदेश में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और बाकी सभी लोग जनप्रतिनिधि निकलेंगे और जहाँ पर भी डेंगू के लक्षण पाए जाते हैं, चाहे वो कहीं पर कोई छोटा जल भराव हो, कहीं पर कूलर के अंदर अगर पानी है तो वो, जहाँ जहाँ डेंगू पनप सकता है उसके लिए पूरा अभियान चलेगा। और हमारा नगरी प्रशासन विभाग इस शहरी क्षेत्र में पूरा इस अभियान को शुरू हम लोग कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के लिए भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन का 100% लक्ष्य शीघ्र ही प्राप्त कर लिया जाएगा। इसके लिए 17 सितंबर से महावैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जा रहा है। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस परिवर्तन का दावा कर रही है, जिस पर उनका कहना है कि शिवराज प्रत्येक तबके के विकास तथा हित के लिए समर्पित रहते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री को बदलने जैसी कोई परिस्थितियां हमारे यहाँ तो नहीं है। इसके लिए हम लोग अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। 17 तारीख से वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हो रहा है। उसमें जहाँ पर फर्स्ट डोज कंप्लीट हो गई है वहाँ सेकेंड डोज, जहाँ पर फर्स्ट डोज रह गई है वहाँ फर्स्ट डोज। और हमारी कोशिश है सरकार की कि सितंबर या अक्टूबर के बीच में हम सेकेंड डोज भी कंप्लीट कर लें, फर्स्ट डोज भी हमारा कंप्लीट हो जाए। अच्छा, मस्ती और मुझसे कौन कहता है पनीर सीधा साधा होता है? ये ना तो सीधा है ना सादा, चटपटा है। नया मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, स्पाइस इन्फ्यूज पनीर, खाओ कभी भी कहीं भी। मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, पनीर पे अब मस्ती चढ़ गई। एपेक्स बैंक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, समृद्धि आपकी, योजनाएं हमारी। वाहन ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, भ्रमण ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, व्यापारियों को साख सीमा ऋण, त्योहार ऋण, चिकित्सा ऋण परियोजना, उपभोक्ता ऋण, आभूषणों के तारण पर ऋण, अचल संपत्ति के बंधक पर ऋण, क्यों देखे महज सपने, आइए करें उनको साकार। केंद्र, राज्य शासन, शासकीय निगम, मंडल बोर्ड, समस्त सहकारी बैंकों, संस्थानों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए
उपरोक्त समस्त ऋण रियायती ब्याज दर मात्र 8% पर ऋण सुविधा उपलब्ध। वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 1% अधिक ब्याज सुविधा का लाभ लेने के लिए नजदीकी एपेक्स बैंक की शाखा में संपर्क करें। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल एग्रीकल्चर साइंस पैरामेडिकल लॉ एंड मेनी मोर विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।